दीपिका से मैं आपको मिलवाता हूँ, उससे भी आपकी बात, मतलब आप वो भी कुछ बोलेगी क्यों? हाँ जी कहिए कहिए। कुछ नहीं, अभी ठीक हूँ। अभी मैं तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट काफी ठीक हूँ। ऑब्वियसली थोड़ा सा पेन है, बट वो हीलिंग पीरियड तो होता ही है, 6 से 8 हफ्तों का फॉर द यूट्रस, दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड मी। एंड बाकी ये है, और सब लोग हैं, ख्याल रख रहे हैं मेरा। एंड दिन में 2 बार जब हम जाते हैं छोटू को देखने के लिए, तो वो एक हमारा एक वो एनर्जी डोज होता हाँ, एक अलग ही फीलिंग है। होती है सच में, कि हालांकि सॉट अ गुड साइड ऐसे या देखना, इट्स नॉट अ गुड बट साइड। तब भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं जाओ। मैं आई थिंक मैं एक दिन पूरे 24 घंटे में नहीं गया, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ और उसे देखूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जाऊँ उस तरीके से देखूँ। बट वो बोलते हैं कि नहीं आप जाओ, उसको टच करो, उसको अपना टच दो, उसको अभी से एहसास होगा कि अच्छा है वो। तो हम जाते हैं और बस वही, जैसे मैं अभी पहले बोल चुका हूँ कि अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के इम्प्रूवमेंट काफ़ी है और इंशाल्लाह बस धीरे धीरे से इम्प्रूव होता जाएगा। एक्चुअली मैं भी एक प्रीमेच्योर बॉर्न हूँ, तो मेरी मम्मी बहुत रिलेट कर रही थी उस दिन रात में कि बिल्कुल जैसे दीपिका हुई है वैसा ही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। ऐसे ही मैं बहुत प्रीमेच्योर हुई थी। छोटू तो थोड़ा सा अभी हमारा जो है थोड़ा बेटर एज में आया है, बट बिकॉज ये तो 7 मंथ में हुई थी ना, मैं 7 ये मंथ सेवन में मंथ में हूँ, हुई थी। तो मैं बहुत ज्यादा है, मैं काफी करीब तो बहुत उसने दिन मैं नहीं तो थी। उसने मम्मी का तरीका अपनाया हाँ, क्या? बर्थडे पापा के बाद और हाँ आने का तरीका मम्मी हाँ का। बस यही है। एंड अब कैसे जब जाके उसको देखते हैं, हर दिन के साथ जब उसके कुछ सुधार आ रहा है ना, तो वो चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है। जैसे और उसके साथ और भी आसपास बच्चे हैं, तो उनको देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। जैसे सही बात आज एक वहां पे एक बेबी है, बेबी गर्ल है, जो आज डिस्चार्ज है हुई अपनी मम्मी के मम्मी पास चली के गई। पास तो गई है। आई वाज फील सो गुड ना कि ओके शी इज फाइन ना, शी इज गोइंग। तो बस जल्दी जल्दी छोटू भी इंशाल्लाह आ जाएगा। हाँ छोटू भी इंशाल्लाह आ जाएगा। और बस यही है कि स्पेशल थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा सर, यहाँ के डॉक्टर्स, NICU के जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशली जो वहाँ का स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, हमारी डॉक्टर जो हैं डॉक्टर श्वेता राजे, जिन्होंने पूरा दीपिका का अब तक जो पूरा है वो देखते हुए पूरी प्रेगनेंसी पे इसको मॉनिटर किया है, सारी डॉक्टर चीज़ें हैं। श्वेता तो आएगा। एंड लाइक जो इसका OT में सी सेक्शन हुआ वो भी पूरा उन्होंने किया, और वो तो उससे पूछ भी रही थी। मैं था एक्चुअली उस टाइम पे जब पूरा प्रोसेस चल रहा था OT पे, मैं उसके पास में ही बैठा हुआ था। एंड डॉक्टर उससे पूछ रही है कि दीपिका, क्योंकि ये एनेस्थीसिया में थी, थोड़ी सी ये हैप्पी हाई थी उसमें हाँ एनेस्थीसिया में, उसको क्योंकि नॉर्मली इंसान को समझ नहीं आता ना, हल्की सी आंखें बंद हो रही होती हैं, लेकिन तब भी आप होश में होते हो कि अच्छा क्या चल हाँ रहा मतलब है। वो मुझे डॉक्टर ने, जो एनेस्थेटिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि जब मैं आपको इंजेक्शन दूंगी, हाफ लाइक एपिड्यूरल हाफ जब एपी दूंगी, हाफ उसके उसका बाद किया था। आपको थोड़ा सा डिजी लगेगा। तो आई वाज इन दैट डिजी जोन, बट आई कुड, आई न्यू, मतलब आई वाज कॉन्शियस, मुझे पता था क्या हो रहा है, आई कुड हियर व्हाट समबडी इज टॉकिंग टू मी। तो वो था मेरा सिचुएशन। तो डॉक्टर इससे पूछती हैं, क्या बोलते हो दीपिका, क्या होगा, बॉय और अ गर्ल? एंड ये वहीं पे मैम गट फीलिंग है बॉय होगा, मैम गट फीलिंग है बॉय है, गट फीलिंग बॉय है। 5 मिनट में डॉक्टर्स बोलती हैं मुबारक हो, इट्स बॉय। तो ये वहां पे मतलब लिटरली OT में उस वक्त चिल्लाने लगी है, देखा मैंने कहा ना इट्स अ बॉय इट्स अ मैंने बॉय। बहुत एंजॉय किया था वो तो पूरा दिल भी का जो हाँ प्रोसेस है, बहुत मैंने हल्ला मचाया है। सच में लाइक एवरीबडी एवरीबडी, चाहे वो डॉक्टर्स की टीम हो, मैं तो मिला हूँ सबसे, सभी बोलते हैं बहुत स्ट्रांग है दीपिका, बहुत स्ट्रांग है दीपिका। एंड उसके बाद जब 28 को हम घर गए, मैं चेंज करके बैठा, इन सारी जो चीज़ें प्रोसेस हुई, हमें डॉक्टर को फ़ोन किया रात में 3 बजे, डॉक्टर ने 2 रिंग में फ़ोन उठाया, एंड देन कुछ उससे चीज़ें, पहले मतलब आपके बर्थडे के बाद। हाँ मतलब 21 मतलब 28 की रात को, हाँ और 21 मतलब 21 को अर्ली मॉर्निंग बोलो, 3 बजे के आसपास, ढाई हाँ बजे के आसपास तो जब सारी मतलब हम चीज़ें हुई शोएब का वो बर्थडे डिनर डिनर करके करके। वी जस्ट रीच्ड होम, एंड उसके बाद बताओ। और पता है हम वहीं इवन वहां बर्थडे पे बैठी भी हम डिस्कस ही कर रहे थे सब, क्योंकि ऑब्वियसली बात है लास्ट टाइम चल रहा था, हम सब डिस्कस ही कर रहे थे कि अच्छा ऐसा होगा, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा।
एंड मैंने अपने शो में जो है वो बात कर रखी थी कि मतलब मैंने तो उनको बोल रखा था कि मैं शो छोड़ रहा हूँ। अब मैं ये चीज़ शायद मैं आज आपको पहले बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार पूरे प्रेगनेंसी में 9 महीने मैं दीपिका के साथ नहीं रह पाया ज़्यादा। उसको जितना हो सका है मैंने कोशिश की है शूट से टाइम निकालने के बाद, लेकिन अब ये ऐसा वक्त है जहाँ पे दीपिका को और बच्चे को मेरी ज़रूरत है। काम इंशाल्लाह ज़िंदगी भर होता रहेगा, और हमारी फील्ड ऐसी होती है कि हम हमारे में कोई एज ग्रुप नहीं होता है, हम किसी भी एज पे काम कर लेते हैं। तो मैंने दीपिका से डिस्कस किया है, दीपिका तो पहले भी रेडी नहीं थी, मैंने कहा नहीं दीपिका ये मेरा डिसीजन है कि मुझे अभी आपके साथ और बच्चे के साथ वक्त गुजारना है, एटलीस्ट तीन चार महीना स्टार्टिंग के, उसके बाद से फिर मैं काम दूसरा देखना शुरू कर दूंगा। तो मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस में बोल दिया कि सारी चीज़ें भैया देखो ऐसा ऐसा है मैं जा रहा हूँ, रीज़न ये है, और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा था क्योंकि उनको सबको लगता था कि ओके अच्छा यार ये हम इस रीज़न में क्या बोलें। बट फिर भी मैं एक स्पेशल थैंक्स मैं अपने प्रोडक्शन को बोलना चाहूँगा, यू नो प्रोड्यूसर्स को, फ्रेम्स प्रोडक्शन को, प्रोड्यूसर्स को, रवि भाई को, दीप सर, निरुपम जी, इन सबको कि वो आके मुझसे बैठे बात की, बोलते शुएब हम आपका डिसीजन समझते हैं, आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, हम इसमें आपके साथ हैं, लेकिन कोई तो वे आउट होगा ना, कोई तो वे आउट होगा, आप कोशिश करने की मतलब निकालने की कोशिश कीजिए, हम उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। हम नहीं चाहते कि आप शो से जाओ, हम एंड ही केम बैक होम विद दैट सेंटेंस। और मुझे वो लाइन जो है ना वो बहुत टच कर गई कि जब उन्होंने बोला कि ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा आपके फादरहुड में। और सच बोलूं आज की डेट में ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं करता है जिस तरीके से, क्योंकि हम समझते हैं एक शो में आप हीरो हो, आप एक लीड हो, तो आपका काम होता ही है बहुत, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। एंड देन फिर हम लोगों ने मैंने कहा दीपिका ऐसी ऐसी बातें, उनकी एक लाइन मुझे बहुत टच कर गई, दीपिका बोलती मैं तुमसे पहले ही बोल रही थी कि शो छोड़ना हल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, रात में 11:30-12 बजे घर पर आता हूँ, मैं वक्त कब दूंगा तुम्हें। और यूजुअली क्या होता है ना कि बच्चा होने के बाद यूजुअली सब का ध्यान जो है वो बच्चे की तरफ जाता है, यू नो आप माँ को भूल जाते हो, आप लेडी को भूल जाते हो, उसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यू नो पोस्टमार्टम डिप्रेशन किसी को होता है, चीज़ें होती हैं, वो उसके साथ कौन रहेगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में, और जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों दीपिका इब्राहिम माँ बन चुकी हैं और उन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है। और जैसे कि आपको बता दें कि दीपिका को पहले से ही पता था उन पे बेबी बॉय होने वाला है, और दोस्तों उनकी डिलीवरी अचानक ही रात्रि में हुई है, थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी इसीलिए उनकी डिलीवरी जल्दी हो गई है। बेबी बॉय मशीनों में रखा हुआ है और थोड़ी प्रॉब्लम है इसीलिए वो बेबी को भी नहीं बता सकते। बट उन्होंने जिस तरीके से चीज़ें एडजस्ट करी हैं, मेरा शूटिंग आवर्स कम कर दिए हैं और नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम बुलाएंगे, अभी तो हम हॉस्पिटल में ज़्यादा इतना कुछ है नहीं, क्योंकि छोटू जो है वो रहता है NICU में, हम दिन में 2 बार उससे मिलते हैं। एक्चुअली हम बार बार छोटू बोलने से पहले अटक रहे हैं, बिकॉज हमने नाम डिसाइड कर लिया है, हमने नाम डिसाइड पहले ही कर लिया था, और हमारे मुँह से बार बार वही निकलता है, हम जब आपस में बात करते हैं तो हमारे मुँह से वही निकलता है। वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह जब हम नाम शेयर करेंगे, अभी ना हम दोनों को एफर्ट लेना पड़ रहा है आप लोगों के सामने छोटू बोलने के लिए, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो वो एंड देन फिर उसके बाद कर देंगे, एंड देन उन्होंने और किया, उन्होंने मेरे शूटिंग आवर्स कम किए हैं और उन्होंने मेरे नंबर ऑफ डेज बोले हम आपको कम में बुला के हम आपका टाइम जो है कर देंगे। और इंशाल्लाह जब मैं हॉस्पिटल से घर जाऊंगा जितने दिन की बात, तो उसके बाद वो एक आध हफ्ते में चीजें मैनेज करके वो मुझे 15 डेज कंटिन्यू एट अ स्ट्रेच वो ऑफ भी देने वाले हैं, क्योंकि तो वो लोग बेचारे प्लानिंग कर रहे थे कि जुलाई में, हम सब प्लानिंग कर रहे थे कि वो के चलो ठीक है जुलाई 30 या 40 जल्दी थी छोटे जनाब को तो जल्दी आ गए, तो ये सारी चीजें हुई, तो उसके लिए दिल से थैंक यू फ्रेम्स प्रोडक्शन, रवि भाई, निरुपम जी, दीप भाई, हर एक का दिल से शुक्रिया पूरे प्रोडक्शन हाउस का के आज, और यू नो और इसी वजह से मुझे अभी शूट पे जाना पड़ता है, क्योंकि सब प्रिपेयर नहीं थे सबकी शूटिंग, और डेली शो का शूटिंग ऐसा होता है कि रोज शूट करते हैं आप, रोज यू नो टेलीकास्ट होता है, यहीं से सुबह रेडी होकर शूट पे जाते हैं और फिर यहीं आके यहीं पे मैं आता हूँ। तो ये सारी चीजें हैं कि जो अभी चल रही हैं। वो किस्सा बता रहे थे कौन सा, उस दिन जब हम लोग घर पहुंचे, हाँ घर पहुंचे सारी चीजें हुई, रात में 3 बजे श्वेता को, डॉक्टर श्वेता को फोन किया हमने, दोनों ने फोन उठाया, उनको बताया मैम ऐसा ऐसा है,
एंड शी बोलता है किशोर आ जाओ, तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। हम पहुंचे वहां पे हॉस्पिटल, एंड देन हमारा हॉस्पिटल जो है वो वुमेन्स हॉस्पिटल था। तो वहां पे NICU की फैसिलिटी नहीं थी, तो डॉक्टर्स बोल रही थी कि आप यहाँ पे डिलीवर कर सकते हो, फिर एक डॉक्टर्स की टीम आएगी एंड देन वो हॉस्पिटल ले जाएगी बेबी को NICU में रखने के लिए। तो हम दोनों ही कि भाई नहीं, जहाँ वो होगा वहीं हम होंगे। तो फिर हमने वहाँ से अपना हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया यहाँ पे, और यहीं पे डिलीवर हुआ। हम यहाँ पे हैं, बेबी जो है वो नीचे वाले फ्लोर पे है। हम दिन में 2-3 बार चले जाते हैं, उससे मिलाते हैं, उसको देखाते हैं, यू नो, उसको पढ़ के दम भी कराते हैं, और एक मन अच्छा हो जाता है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन थोड़ा सा अजीब था क्योंकि ऑब्वियसली नया नया था, बट स्लोली स्लोली अब थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट है। कल थोड़ा सा खेल भी रहा था।